दोस्तों मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं डीएसएल लाइव। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास पर। भारत में अंग्रेजों और वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा ये कहा है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, आर्य विदेशी थे। उन्होंने उत्तर भारत पर आक्रमण करके यहाँ कब्जा कर लिया और भारत के मूल निवासी आर्यों के हमले की वजह से भाग कर दक्षिण भारत चले गए थे। भारत में आज भी यही थ्योरी पढ़ाई जाती है कि आर्य आक्रमणकारी थे। हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि भारतीय सभ्यता उनसे निकली है जो खुद को आर्य कहते थे। ये घुड़सवारी करने वाले और पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक घुमंतू जनजाति थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों यानी वेदों की रचना की थी। वे कहते हैं कि आर्य भारत से निकले और फिर एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से में फैल गए। इसी से उन इंडो यूरोपियन भाषाओं का विस्तार हुआ जो आज यूरोप और भारत में बोली जाती है। एडोल्फ हिटलर और मानव जाति के इतिहास का अध्ययन करने वाले यूरोप के कई लोग 19वीं सदी में ये मानते थे कि आर्य ही वे मुख्य नस्ल थी जिसने यूरोप को जीता। लेकिन एडोल्फ हिटलर का मानना था कि आर्य नॉर्डिक थे, यानी वो उत्तरी यूरोप से निकले थे। जब भी जानकार लोग आर्य शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब उन लोगों से होता है जो इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलते थे और खुद को आर्य कहते थे। इसीलिए आर्य को इसी संदर्भ में इस्तेमाल किया है, ये किसी नस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है जैसे कि हिटलर ने इस्तेमाल किया या फिर कुछ हिंदू दक्षिणपंथी इसे इस्तेमाल करते हैं। भारत के बहुत सारे विद्वानों ने भारत के बाहर से आने वाली बात पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले या आर्य शब्द उन प्रागैतिहासिक खानाबदोशों में से थे जो पहले की किसी सभ्यता के कमजोर होने के बाद भारत आए थे। यह हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता थी जो आज भारत के उत्तर पश्चिमी और पाकिस्तान में है। यह सभ्यता लगभग मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समय ही पनपी थी। हालांकि हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ही आर्यन या वैदिक सभ्यता थी। इन विरोधाभासी विचारों का समर्थन करने वाले दो समूहों के बीच तनाव हाल ही में कुछ सालों में बढ़ा है, खासकर 2014 में हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद। इस पुराने विवाद में अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स का अध्ययन विशेष जोड़ा गया है जो अपेक्षाकृत नया है। इसमें प्राचीन डीएनए के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कब लोग कहां गए। प्राचीन डीएनए के माध्यम से किए जाने वाले शोध ने पूरी दुनिया में इतिहास का पूर्ण लेखन किया है। भारत में भी अब एक के बाद एक रोमांचक जानकारियां सामने आ रही हैं। शोध दिखाता है कि पिछले 10,000 सालों में भारत में दो मौकों पर बड़ी संख्या में लोग आए। पहले तो दक्षिण पश्चिम ईरान के जेंग्रोस प्रांत से बड़े पैमाने पर लोग भारत में आए। इनमें कृषक और संभवत पशुपालक भी थे। जेंग्रोस वही इलाका है जहां इंसान द्वारा पहली बार बकरी को पालतू बनाने के सबूत मिले हैं। आखिर ये हुआ कब? ये 7000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच हुआ होगा। इन जेंग्रोसाई पशुपालकों का भारतीय उपमहाद्वीप पर पहले से रह रहे लोगों के साथ मिश्रण हुआ। यहां पर पहले से रहने वाले लोग, जिन्हें आप शुरुआती भारतीय या फर्स्ट इंडियन कह सकते हैं, वे लगभग 65,000 साल पहले एक साथ अफ्रीका से भारत आए थे। इन्हें आउट ऑफ अफ्रीका या ओओए माइग्रेंट कहा जाता है। तो इस तरह इन दोनों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता बसाई। 2000 ईसा पूर्व की शताब्दियों में यूरेशियन स्टेपी यानी कि घास के मैदानों से प्रवासियों का दूसरा जत्था आया। संभवत वे उस हिस्से में आए थे जिसे आज कजाकिस्तान कहा जाता है। इस बात की संभावना है कि यही लोग संस्कृत का शुरुआती प्रारूप अपने साथ लाए। वे घुड़सवारी करना और बलि परंपरा जैसी नई सांस्कृतिक तौर तरीके भी अपने साथ लाए। इसी से हिंदू वैदिक संस्कृति का आधार बना। 1000 साल पहले यूरोप में भी स्टेपी से लोग आए थे, जिन्होंने वहां के खेतिहारों की जगह ली थी या उनके साथ मिश्रित हो गए थे। इसी नई संस्कृतियां उभरी थी और इंडो यूरोपियन भाषाओं का विस्तार हुआ था। अन्य जेनेटिक शोध भी भारत में बाहर से लोगों के आने पर रोशनी डालते हैं, जैसे कि इससे ये भी पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया से आए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एशियाई भाषाएं बोलने वाले कब आए थे।
अगर आपको भारत की आबादी को समझना है तो ऐसे मान लीजिए कि जैसे कि एक पिज्जा है। भारत के शुरुआती लोग जिन्होंने पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन कहा जाता है वे इस पिज्जा के बेस की तरह हैं। इस पिज्जा का बेस कुछ हिस्सों में बाकी हिस्सों की तुलना में पतला है, फिर भी ये बाकी पिज्जा के लिए एक बेस की तरह काम करता है, क्योंकि अध्ययन बताता है कि भारतीयों की जेनेटिक्स में 50-65% का हिस्सा फर्स्ट इंडियंस का है। यानी कि जैसे पिज्जा बिना बेस के नहीं रह सकता, ऐसे ही 50-65% भारतीय फर्स्ट इंडियन ही है। अब इस बेस के टॉप पर सॉस जो पड़ी है, ये समझ लीजिए ये पूरे पिज्जा पर फैली हुई है। इस सॉस को आप हड़प्पा सभ्यता मान लीजिए। फिर टॉपिंग्स की बात करते हैं और चीज का नंबर आता है, तो ये ऑस्ट्रियाई, एशियन, तिब्बती, बर्मी और भारतीय यूरोपियन भाषा बोलने वाले या आर्य हैं। तो ये वो लोग हैं जो भारत में बाद में आए। हिंदू दक्षिणपंथियों में कईयों को ये बातें पसंद नहीं आएंगी। वे तो स्कूलों का सिलेबस बदलने और वहां पर आर्यों के बाहर से आने का जिक्र हटाने को लेकर अभियान चलाते रहते हैं। ट्विटर पर इतिहास की बात करने वाले कई प्रसिद्ध दक्षिणपंथी हैंडल भारत के उन प्रमुख इतिहासकारों को निशाना बनाते रहे हैं जो आर्यों के बाहर से आने के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अगर हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि आर्य भारत की पहले निवासी नहीं थे और हड़प्पा संस्कृति उनके आने से पहले से मौजूद थी, इसका मतलब ये मानना होगा कि भारतीय सभ्यता का उद्यम आर्यों या उनकी वैदिक संस्कृति में नहीं बल्कि कहीं और है। हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए विभिन्न समूह के मिश्रण का विचार भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वे नस्लीय शुद्धता को ज्यादातर तरजीह देते हैं। ऊपर से बाहर से आने की थ्योरी आर्यों के बाद में भारत पर अधिकार करने वाले मुस्लिमों को जैसे ही मुगलों की श्रेणी में डाल देती है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि आर्य भारत से आए थे तो उन्हें लगता है कि जैसे मुगलों के बारे में कहा जा रहा है ऐसे ही उनके बारे में कहा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने मांग की थी कि हड़प्पा सभ्यता का नाम बदलकर सरस्वती नदी सभ्यता कर दिया जाए, क्योंकि शुरुआती चार वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी अहम नदी है। ऐसे में इसका नाम इस्तेमाल करने से सभ्यता और आर्यों के बीच संबंध मजबूत होंगे। नए अध्ययन इन चर्चाओं पर विराम लगाता है और ये हिंदू दक्षिणपंथियों के लिए झटका है। सत्ताधारी पार्टी के सांसद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस अध्ययन के सह लेखक प्रोफेसर रेक पर एक ट्वीट के जरिए हमला करते हुए लिखा था कि ये सब झूठ है, घिनौना है। हालांकि नए रिसर्च से जो असली संदेश मिलता है वे बेहद रोमांचक और आशापूर्ण है। वो ये कि भारतीयों ने विभिन्न वंशों और इतिहासों से एक चीर स्थायी सभ्यता का निर्माण किया है। भारतीय सभ्यता का सबसे अच्छा गुण समावेश करना यानी सबको अपने आप में मिला लेना रहा है, ना कि बहिष्कार करना। विविधता में एकता असल में भारत के अनुवांशिक ताने बाने की आत्मा है। तो आज की स्टोरी में इतना ही। इसमें मैंने आपको बताया कि आर्य भारत के मूल निवासी थे या भारत के बाहर से आए थे, लेकिन जो इतिहास कहता है, जो किताबों में सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उसमें यही कहा गया है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। उन्होंने भारत में आके आक्रमण किया था और कई जगहों पर अपना कब्जा किया था। हालांकि दक्षिणपंथी हिंदू इस बात को स्वीकार नहीं करते और अभी तक इस बात पर कोई पुख्ता, कोई 100% श्योरिटी नहीं मिली है कि क्या वो वाकई में भारत के मूल निवासी थे। फिलहाल आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगली ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए फिर लेकर आऊंगा। उसके लिए आपसे निवेदन है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।